ओम वंदे गौ मातरम बंधु, लिखितो क्रांति से मैं हूं प्रभा। बंधु, सरकारी नौकरी कौन करना चाहता है? आप कहेंगे हर कोई, जिससे देखो सरकारी नौकरी की दौड़ में दौड़ रहा है, हर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए। पर यदि इसका विश्लेषण सही तरीके से किया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि वाकई सरकारी नौकरी क्या है। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है जो लोग काम नहीं करना चाहते या काम चोरी करना चाहते हैं, मैं क्षमा चाहती हूँ, शायद मुश्किल से 10% सरकारी कर्मचारी ऐसे होंगे जो अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अन्यथा अधिकांश सरकारी कर्मचारी मात्र और मात्र काम चोरी करते हैं। इसीलिए इसको मैं साबित करती हूँ, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको अपने ही साथियों के कामों पर विश्वास नहीं है। कैसे? इसलिए तो ये अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते और ना ही अपनों का जो इलाज है वो सरकारी अस्पतालों में करवाते हैं। सरकारी केंद्रों में तभी जाते हैं जब इनको मजबूरन जाना पड़ता है, कुछ इनकी विवशता होती है, वही काम ये सरकारी करते हैं, अन्यथा हर चीज़ प्राइवेट करते हैं। मित्रों, ये ऐसे लोग हैं जो मात्र और मात्र काम चोर हैं। आपको गाली लगेगा शायद, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप अपने आसपास देख लीजिए जो आपके साथ हैं। यदि आप ईमानदार हैं तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, लेकिन यदि आप भी ऐसे ही हैं तो आप अपने आसपास भी देखिए और खुद को भी देखिए कि आप क्या करते हैं। आप जैसे लोगों की वजह से ही भारत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि आप जैसे लोग जो सरकारी नौकरी करते हैं लेकिन अपना काम पूरा नहीं करते, जिसकी वजह से हर सरकारी खाता घाटे में चलता है और परिणाम स्वरूप वो घाटा हम जैसे जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको उठाना पड़ता है। यदि आप अपना काम ठीक से करें तो हमारा सरकारी तंत्र इतना मजबूत हो सकता है कि हमें बहुत सी चीज़ों की बाहर से कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। पर हम विवश हैं, हम लाचार हैं। किसने बनाया है? आप जैसे ही सरकारी कर्मचारियों ने। यदि आप कुछ सही करना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कृपया अपने कर्म को ठीक से निभाइए, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी जवाबदेहियों को उठाइए और उनको पूरी तरीके से ईमानदारी पूर्वक और न्यायपूर्वक पूरा पालन करिए। आप देखिए, आप आगे बढ़ेंगे, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा सब कुछ आगे होगा। मित्रों, आप यदि सोचें खाली मैंने काम नहीं किया, आपके जैसे ही सारे कर्मचारी हैं, तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। यदि हमें क्रांति करनी है, हमें कुछ आगे करना है, तो हमें अपने भीतर से अपनी ईमानदारी को, अपने जवाबदेही को निभाना होगा। यदि हम निभाते हैं तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं जब तक अपनी जवाबदेही नहीं पूरी करूँगी, कोई नहीं करेगा। यदि अच्छा लगा हो विचार तो सब्सक्राइब करिए, औरों को बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।